हाय गाइस, मेरा नाम है सरम खान, मैं दिल्ली से हूँ और यहाँ बात कुछ ऐसी है। बात कुछ ऐसी है कि इस टाइम मैं दिल्ली की एक ऐसी जगह पे हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए यहाँ लोग बहुत कम विजिट करते हैं। ये दिल्ली के लीस्ट विजिटेड प्लेसेस में एक है और इसका नाम है सफदरजंग टॉम्ब, सफदरजंग का मकबरा। क्योंकि मुझे सिनेमैटिक व्लॉग बनाने का बहुत शौक है, तो जब इस जगह की फोटोज़ मैंने देखी तो मुझे लगा कि मुझे एक बार यहाँ जाना चाहिए और चेक करना चाहिए क्या सचमुच ये जगह खूबसूरत है। तो लेट्स फिगर इट आउट। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जगह कितनी खूबसूरत है मेरे कैमरे के नज़रिए से। सफदरजंग का मकबरा मुगलों का अंतिम स्मारक माना जाता है, इसकी वजह से मुगल इतिहास में इसको महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। इस मकबरे को एथियोपियाई वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था जो कि हुमायूं टॉम्ब से मिलता जुलता है। सफदरजंग मकबरा एक विशाल चारों तरफ सुंदर गार्डन से घिरा हुआ है जहाँ लोग आकर टाइम स्पेंड करते हैं। ये जगह कपल्स, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बेस्ट है। इस मकबरे के अलावा यहाँ तीन महल और भी हैं, मोती महल, जंगली महल और बादशाह पसंद, लेकिन उनको अब बंद कर दिया गया है। सो गाइस, दिस प्लेस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। थोड़ी सी मेंटेनेंस की कमी लग रही है मुझको, लेकिन ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। शायद लोगों ने इस जगह को इग्नोर कर रखा है इसलिए यहाँ पर लोग नहीं आते हैं, लेकिन मेरे कहने पर आप एक बार इस टॉम्ब को ज़रूर विजिट करिएगा। जब इस मॉन्यूमेंट को आप पहली बार देखेंगे तो आपको ताजमहल की झलक नज़र आ जाएगी। सफदरजंग टॉम्ब में मिर्जा मुकीम अबुल मंसूर खान की कब्र है जिसको सफदरजंग के नाम से पहचाना जाता था। वो मुगल राजा मोहम्मद शाह के शासन के समय भारत के प्रधानमंत्री यानी वजीरुल हिंदुस्तान के पद पर थे। सफदरजंग एक मुख्य राजनीतिक पुरुष थे और प्रधानमंत्री के रूप में उनके पास सभी शक्तियों पर नियंत्रण था, जिसकी वजह से राजा फकत उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गया था। इसके बाद सफदरजंग के साथ कुछ ऐसा हुआ कि कुछ अदालती राजनीति की वजह से उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया। उनको 1753 में राज्य से निकाल दिया गया था, 1754 में उनका निधन हो गया और उनके पुत्र शुजाउद्दौला ने राजा की अनुमति लेकर अपने पिता की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। इस मॉन्यूमेंट के साथ तीन गुंबदों वाली मस्जिद भी है जो सिर्फ फ्राइडे के दिन खुलती है। इस जगह का एंट्री टिकट है 25 रुपये और कैमरा कैरी करने की कोई मनाही नहीं है। पार्किंग फैसिलिटीज भी है और शाम को 6 बजे इस इमारत को रोशन किया जाता है, तब ये इमारत कुछ ऐसी दिखती है। तो गाइस, ये था सफदरजंग का मकबरा। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपको नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहे मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।